हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू दी ब्लॉग। आज सुबह मेरी थोड़ी जल्दी हुई है क्योंकि बहुत सारे काम हैं, बिजनेस के और अपने खुद के पर्सनल भी। तो ढेर भर के मुझे कपड़े धोने हैं, ऐसा लग रहा है जन्मों से मैंने इकट्ठे करके रखे हुए हैं और वो आज ही धोने, क्योंकि कल थर्सडे पड़ जाएगा। थर्सडे को हम कपड़े नहीं धोते हैं। अभी बेड से उठी भी नहीं हूँ मैं, जस्ट ऐसे उठ के बैठी ही थी एंड मेरा माइंड बहुत क्लियर है कि आज मुझे क्या क्या करना है। तो इसीलिए आज मेरे सुबह की शुरुआत बहुत जल्दी हो गई है। अच्छी वाइब आ रही है दिन की, ऐसा लग रहा है आज ढेर सारा काम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि हम पूरे दिन इसी वाइब के साथ चलें, ना कि हम दिन में थोड़े लो हो जाएं। बट या जितने हम अभी पॉजिटिव हैं, फटाफट से काम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस। गाइस, आपको एक बढ़िया चीज दिखाती हूँ। ये देखिए, ये वही गुलाब है जो मैं लेके आई थी और इसमें देखिए आज कितना बढ़िया ऑरेंज गुलाब हुआ है। सुंदर लग रहा है ना। एंड ऑल्सो हमेशा मुझे लगता था गाइस, इस पेड़ पे पपीता कब होगा, क्योंकि ये इतना ही बड़ा हुआ और काफी दिन तक कच्चा रहा है। इसके अलावा इस पेड़ के हमने अभी तक तो पपीते नहीं खाए हैं, तो आज ये पहला पपीता है जो इतना ज्यादा हो चुका है, पूरा पक चुका है और अब हम इसे खा सकते हैं। तो सुपर हैप्पी। काफी टाइम से सोच रही थी कब होगा, या ऐसे ही चला जाएगा, इससे बड़ा होगा कि नहीं, और इतने में ये पक गया। एंड ऑल्सो यहाँ पे टमाटर देख लो आप, क्या बढ़िया हो रहे हैं। अभी तो पूरे पके नहीं है लेकिन इसमें बड़े बड़े टमाटर लगे हुए हैं, ये देखो। चलो आज इसको लेके चलते हैं नीचे, भगवान जी को चढ़ाएंगे, क्योंकि ये पहला पपीता है उसका। भगवान जी पहले ग्रहण करेंगे फिर हम लोग करेंगे। मम्मी लो भगवान को चढ़ा दो। गाइज, आई वांट टू टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक नया स्कैम स्टार्ट हुआ है एंड प्लीज 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 बी अवेयर। अपनी मम्मियों को ये चीज बताओ, अपने घर में हर इंसान को ये चीज बताओ। अभी जस्ट मम्मी के नंबर पे एक कॉल हमें रिसीव हुआ एंड देवर लाइक, उनको मेरे पापा का नाम पता था, उनको मेरे भाई का नाम पता था एंड ही वॉज लाइक कि ये आपका लड़का है, ये आपके हस्बैंड है, आपको पता है आपके लड़के ने कितना बड़ा कांड किया हुआ है, हमने उसको कस्टडी में लिया हुआ है, उसके साथ 5 लड़के और इन्वॉल्व थे एंड एक्स वाई जेड। तो उन्होंने ऐसा बोला और मम्मी ने पापा को कॉल पकड़ा दिया। तो पापा वॉज लाइक, आप कौन बोल रहे हो, पहले ये बताओ कौन से पुलिस थाने से बात कर रहे हो आप, ये बताओ पहले। हाँ, तो फिर पापा को समझ में आ गया उसके वे ऑफ स्पीकिंग से, तो पापा ने थोड़ा उसको तेज वॉल्यूम में बात की उससे, तो वो थोड़ा सा डरा और पापा ने कहा फ़ोन रखिए आप। उसके बाद पापा ने फ़ोन रख दिया और वी आर सरप्राइज्ड कि पूरी कॉल लिस्ट में उनका नंबर ही शो नहीं हो रहा है। हमने इतना सर्च किया, उसमें कुछ शो नहीं हो रहा है, हमने ट्रू कॉलर पे सर्च किया, उस पर कुछ शो नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या होता है जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं, जब इतनी तेज़ वॉल्यूम में आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, एक्सेप्ट भी नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा घबरा जाते हो और इस का ही वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और फिर वो आपसे डिमांड करते हैं, आप ये कर दो तो हम ये कर देंगे, आपको सेव कर लेंगे, ये कर लेंगे फलाना। प्लीज़ बी श्योर, जिसके बारे में वो आपसे कुछ भी बोल रहे हैं आप तुरंत वो कॉल रखें और अपने जिनके बारे में वो बात कही जा रही है उनसे कंफर्म करें, उनसे बात करें कि वो कहाँ है, कहाँ नहीं है, सेफ है कि नहीं है। प्लीज़ 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 ऐसे कॉल्स को बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें, बिल्कुल इनसे बात ना करें। आपको कब ये किस तरीके से ठग लेंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। वी आर
लकी कि पापा भी घर पे थे और मम्मी ने बिल्कुल भी सोचा नहीं दो बार, और मम्मी ने तुरंत जाके कॉल मम्मी दी, क्योंकि मम्मी थोड़ी घबरा गई थी क्योंकि भाई के बारे में बात हो रही थी। ऐसे किसी भी फैमिली मेम्बर के बारे में कोई भी आके कुछ भी बोलेगा ना, तो आप एक बार सोचोगे, डरोगे, और आप उस टाइम पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। तो प्लीज़ 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 बी अवेयर, सबको जाके ये बात बताओ और सबको ये शेयर करो कि आपको ऐसे कॉल्स को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करना है। अभी एक और नया स्कैम आया हुआ है मार्केट में, पहले सिर्फ स्क्रीनशॉट भेजते थे फेक पेमेंट्स के, अभी लोग ना जो हमें बैंक का क्रेडिट वाला एक आता है, जब हमारे बैंक में कोई पैसा डालता है तो क्रेडिट का एक हमारे उसमें आ जाता है कि इतना इतना अमाउंट क्रेडिट हुआ है, तो वो लोग मैसेजेस भेज रहे हैं और बोल रहे हैं कि भाई के साथ अभी रिसेंटली ये हुआ था कि इतना पैसा मुझे किसी और को भेजना था, मैंने आपको भेज दिया, आप पे भी क्रेडिट का मैसेज आया होगा, आप देख लो, भाई ने अपना बैंक अकाउंट चेक किया तो उसके बैंक अकाउंट में वो पैसा नहीं आया था, उसके बाद सिर्फ एक फेक मैसेज आया था। तो लोग इस तरीके के भी स्कैम करें, तो प्लीज़ गाइज बी अवेयर, दूसरों की गलतियों से सीखो। थैंक गॉड कि दोनों ही स्कैम हमारे साथ हो नहीं पाए, बट प्लीज़ इस चीज़ से आप एक सीख लो और सबको ये बताओ कि ऐसे कुछ भी आता है तो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना है आपको। तो थक गई भाई साहब, मॉर्निंग की अपनी 80% एनर्जी मैं यूज़ कर चुकी हूँ काम में, ऑल्सो आई टुक शावर, फीलिंग सुपर गुड, बट अभी बहुत ज़ोरों की भूख लग रही है, एंड मम्मी ने बनाई हुई है इडली, सब ने खा ली, पापा ने खा ली, मम्मी ने खा ली और ओमी मुक्कू ने भी खा ली, मैं ही बची रह गई हूँ, एंड मुझे बहुत ज़ोर की भूख लग रही है। ब्रेकफास्ट में है इडली सांभर नारियल की चटनी। आप मुझे ये बताओ कि आपको क्या ज़्यादा पसंद है। मुझे इडली ना नारियल की चटनी के साथ बहुत पसंद है, आप कौन से पसंद हो, दोनों या सिर्फ सांभर के साथ? इडली खाने के बाद एनर्जी से ज़्यादा आलस और नींद आ रही है, फिर भी मैं नीचे आ गई हूँ क्योंकि मुझे ऑर्डर्स डिलीवर कराने हैं। तो पैक्ड तो है मेरे कुछ ऑर्डर्स, उनमें कुछ नोट्स डालने जो अभी मुझे कस्टमर ने सेंड किए कि आपको उनको अपने दोनों फ्रेंड्स के लिए दोनों पार्सल्स में एक एक नोट डलवाना है, एंड एक और मुझे पार्सल पैक करना है। तो पहले शिपिंग लेबल जनरेट कर लेते हैं, नहीं तो आज पिकअप नहीं हो पाएंगे। कौन आया, कौन आया, पिचकू आया, पिचकू आया, चिकलू, 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 चिकलू को क्लिप दिखती है बस, चिकलू को बस क्लिप दिखती है, क्यों चिकलू? भैया भैया भैया, मोटे हाथी, मोटे हाथी, मोटे हाथी, मोटे हाथी, मोटे हाथी, अभी नहीं खाया, ये मेरी भी फेवरेट है, ये मेरी बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, गाइस आप भी ये खाया करो, बहुत अच्छी लगती है। मैंने अभी तक नहीं खाई है, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। गाइस अभी रात में दोनों कच्ची गंदी करती है, इसलिए बात उनको क्यों बता रहे हो, क्योंकि उसको भी तो गाइस को भी दिखाते हैं अमीराज को, इसलिए किस खुशी में आज मुझे आइसक्रीम खिलाई जा रही है। आपने उस दिन भी तुमको खिलाई थी, चॉकलेट वाली, कोंड वाली, कोंड वाली, कांड वाली, इससे बड़ी मैं कोचिंग नहीं आई थी उनके हर बार, है ना, ये मुझे मन करता है उनके बड़ी वाली नहीं रहती, पागल अच्छा हो काश पर, लेकिन है ना अच्छा लेकिन है ना दुकान तो खुली है, नहीं दुकान तो खुली होती तो ये भी नसीब नहीं होती। अच्छी लग रही है, अच्छी मलाई कुल्फी है, आपका पूरा दिमाग आइसक्रीम। दोस्तों चुके हैं 3:30 और आज मेरी इडली ने मुझे काफी देर वर्क करने की एनर्जी दी, तो इसलिए अभी तक मैं ऊपर नहीं गई। अब फाइनली वक्त आ गया है कि ऊपर जाते हैं, थोड़ी बहुत पेट पूजा करते हैं एंड देन फिर बैक टू वर्क, क्योंकि फिर ट्यूशंस भी लेनी है। लेट्स गाइस, मैंने जस्ट अभी ये पहनी है,
कैसा लग रहा है कमेंट्स में बताओ। लेकिन इच्छा नहीं है। मेरा नहीं मन है चलने का, नहीं जाऊंगी नहीं है मन चलने का, नहीं जाऊंगी। अब बोलना भी मत किया, यहाँ चल दे, मैं इतनी दूर दूर तक चल देती हूँ, करागी तक जहाँ जाने की बोलती हूँ वहां चल देती हूँ, विलायत तक। गिना दिया ना, 2 मिनट में गिना दिया ना, तो 2 मिनट में गिना दिया ना। अब और नहीं मने चलेगा, अभी तक थोड़ा बहुत था, अभी अब और मने कोई नहीं था तुम्हारा मन। गिना दिया तूने, गिना दिया तूने, क्यों बोला तूने, क्यों बोला तूने, क्यों बोला तूने, क्यों बोला तूने, बोला क्यों? देखो नहीं बोलना था, तेरे मन में ये सब था इसलिए तूने बोला। क्यों बोला? मन में नहीं, कहना कह दे और बोल दे जो जो मन में। ये मिरर नहीं दिखा रही तुझे जो अपनी हेयर स्टाइल बना रही उसको देख के? मैं नहीं जाऊंगी अब। मेरे को मत दिखाओ। ठीक है लो, इसको दिखाना कहते हैं। ओ मदर एंडी, गॉड ब्लेस मी। तुम क्या पकाती? हाँ, ओ बैगन का भरता बनाती जो चिपक जाती। आप कुछ बोलती? आज अब व्लॉग में नहीं आती, क्या होती? सब ठीक होती? नींद आती? कितनी नींद आती मम्मी, पूरे दिन में सो रही थी, सुबह तारक मेहता देखते देखते एक जन उठा तो दिया रोटी बनाओ। गाइस, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई मेड अ शाही टुकड़ा, जस्ट रैंडमली ब्रेड पड़ी हुई थी एंड मुझे लगा मुझे ये बनाना चाहिए एंड आई मेड इट। टेस्ट टेस्ट ले लेते हैं। दूध पी लिया आपने? कैसा है पापा? दो चार दिन के लिए आऊं? अच्छा है, ऐसा बोलूंगी कल फिर आइएगा।